केम, ये जो टॉपिक है, ये जो बेसिकली नोट्स हैं, ये एक सेपरेट रजिस्टर में लिखिएगा। एटीपी का एक सेपरेट रजिस्टर बना था, अगर आपको स्कूल एग्जम्पशन दे देता है तो आप इसको बस पेपर टू के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, और अगर आपका स्कूल आपको एटीपी दिलवाता है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि एटीपी देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कौन सा हम लैब करते थे पहले, हमें इसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और इसका 3 पेपर होने से फायदा होता है, जितने ज्यादा पेपर होते हैं ना उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ता है। एनीवेज कुछ लोग दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप नोट्स में आपने लिखना है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है ये डिस्प्ले डिवाइस है, इट्स हैज अ ग्राफिकल इंटरफेस, नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड। और ये इंस्ट्रूमेंट मशहूर क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो सीआरओ की अपीयरेंस ऐसी होती है, सीआरओ में एक एक्स प्लेट होती है, एक वाई प्लेट होती है, एक दो शिफ्ट कंट्रोल होते हैं। जिन लोगों को याद हो तो मैंने सीआरओ की ये वाली डायग्राम आपसे बनवाई थी, जब मैं सीआरओ पढ़ा रहा था तो मैंने इसको मेन डायग्राम में भी करवाया था। सीआरओ पे दो बटन होते हैं, एक्स कंट्रोल और वाई कंट्रोल, और दो बटन इधर होते हैं शिफ्ट, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। सीआरओ बेसिकली एक ग्राफ बनाता है, ग्राफ पेपर की तरह की डिवाइस है। सबसे पहले लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, वो आपने देखा होगा कॉन्सर्ट्स के शुरू में बोलते हैं हेलो हेलो, टेस्टिंग हेलो, 1 2 3 वगैरह बोलते हैं ना, तो इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेप वन, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। स्टेप टू, एक्स एंड वाई कंट्रोल, जब आप एक्स कंट्रोल घुमाते हैं तो वेव छोटी बड़ी होती है, जब वाई कंट्रोल बदलते हैं तो वेव बड़ी होती है और छोटी हो जाती है। ग्रेटर द स्केल स्मॉलर इज द ट्रेस, जितना बड़ा स्केल लेंगे उतना छोटा ट्रेस बनेगा, मैंने आपको वहां पर एनिमेशन में भी दिखाया था। तो पहले दो स्टेप्स कॉपी होंगे कैलिब्रेशन में।
स्टेप थ्री शिफ्ट कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट। अब ये शिफ्ट कंट्रोल क्या होता है जरा इसको समझो, जैसे आप स्क्रीन पर देखो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो ना, इसको कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट, और आप इसको ऐसे और ऐसे भी मूव कर सकते हो, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। तो ये जो चीज आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्ट। ये वाली चीज देखेंगे, तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, चलो हेडिंग डालो नॉन लीनियर कैलिब्रेशन, हेडिंग डालते हैं नॉन लीनियर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन विच डज नॉट फॉलो अ रेशियो मेथड। अच्छा लीनियर कैलिब्रेशन क्या होती है, एक पेन 10 रुपए का है तो 2 पेन 20 रुपए के होंगे, अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 2 पेन 20 रुपए के हैं, इसको कहते हैं लीनियर रेशियो। अच्छा बाजू का ऐसा होता है ना शॉप्स पे डिस्काउंट मिलता है, तो एक पेन 10 रुपए का है तो जो 2 पेन है वो 19 रुपीज के मिल जाए, तो अब रेशियो लीनियर नहीं रही। तो वो कैलिब्रेशन जिस पर रेशो ना लगे उसको कहते हैं नॉन लीनियर। जब इसको ड्रॉ करते हैं तो इसका जो कर्व जो शेप आती है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि कर्व होता है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा,
किसी पे। चलो देखो, अब तुम्हें नजर आ रहा है ये थर्मामीटर है, दिस इज द थर्मोमीटर। हमने इससे पहले भी थर्मामीटर का ग्राफ बनाया था। जब भी तुम्हें कर्व नजर आए तो तुम समझ जाओ कि ये बेसिकली नॉन लीनियर कैलिब्रेशन है। नॉन लीनियर कैलिब्रेशन की पहचान क्या होती है कि जब उसको ड्रॉ करते हैं इट फॉर्म्स अ कर्व। चलो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो ये कॉपी हो गया। अब देखो इसकी पहचान क्या होती है, जब ये चीज देखिएगा ये वाली, यहां पर डिस्टेंस बराबर हो तो आप समझ जाओ इक्विडिस्टेंट है तो लीनियर है, और अगर डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा हो तो इसका मतलब है नॉन लीनियर है। ये वाली स्क्रीन देखिएगा, अब ये वाला नोट करें। देखकर कैसे पता चलता है कि लीनियर है या नॉन लीनियर, जब गैप इक्वल आ रहा हो तो उसको कहते हैं लीनियर, और जब गैप अनइक्वल हो तो उसको कहते हैं नॉन लीनियर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। एग्जाम्पल्स, पेट्रोल गॉच, मूविंग कॉयल मीटर, थर्मोमीटर्स। असल में होता ये है कि तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हो, तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हो लीनियरली, और चाहो तो नॉन लीनियर कर दो। अब जैसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होते हैं, इनमें क्या होता है कि प्योर कंडक्टर लगाएं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा पहले आप लोग ना ये लिस्ट कॉपी कर लीजिएगा, पहले ये लिस्ट कॉपी कर लीजिएगा। सर्वर बेस्ड होते हैं, हमारे पास एक सर्वर है, एक सर्वर चला।
ठीक है, अब जरा देखें पेट्रोल गॉच वगैरह जो है, अब देखो मैं रख रहा हूँ रेजिस्टेंस थर्मामीटर, अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से टेम्परेचर कैसे आ सकता है? देखो रेजिस्टेंस से टेम्परेचर इस तरह आ सकता है कि जब रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टेंस बदल जाती है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। प्योर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो अब दोनों के लिए आप लगा दें एम मीटर, एम मीटर जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। अब ये तो बेटा नोट्स देखने पड़ेंगे, अब हम पूरा टॉपिक तो नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर में समय इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जब सेमीकंडक्टर होता है ना तो जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और इसलिए करंट जो है वो वहां पर बढ़ जाता है। देखने में रेजिस्टेंस थर्मामीटर ऐसा होता है। अब ये वाली डायग्राम अपडेट कर लीजिएगा, नीचे एमीटर लगा लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये स्मूथ कर्व है। थर्मिस्टर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, इसको कहते हैं थर्मिस्टर का कैलिब्रेशन कर्व। अब हमें कैसे पता ये लीनियर है या नॉन लीनियर, हमें इसका पता चल रहा है कि ये नॉन लीनियर है क्योंकि ये स्मूथ कर्व है, नीचे जा रहा है
और ये मुड़ता जा रहा है, तो इसको कहते हैं कि ये नॉन लीनियर है बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अब ये जो देखो, इसको कहते हैं थर्मिस्टर का कैलिब्रेशन कर्व, इसको कहते हैं थर्मिस्टर का कैलिब्रेशन कर्व। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, अच्छा। अब जब इस तरह के ग्राफ्स आते हैं तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझना होता है। शुरू में ग्राफ बड़ी तेजी से ड्रॉप हुआ, बाद में आहिस्ता ड्रॉप हो रहा है। हम इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं कि देयर इज अ लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस अलोंग विद अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। इसको कहते हैं सेंसिटिव मीटर्स। जहां सेंसिटिव मीटर होते हैं वो क्या होता है, जैसे आपने आजकल देखा है वो जो गेट पर लेके खड़े होते हैं थर्मामीटर्स हैं, तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा चेंज आए तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं कि अगर टेम्परेचर 0 से 20 तक आया तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा चेंज हो गई, जिससे ये पता चलता है कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आर इज डिक्रीजिंग रैपिडली, यहां नीचे आर इज डिक्रीजिंग शार्पली। तो शुरू में रेजिस्टेंस बड़ी तेजी से कम हुई और फिर रेजिस्टेंस जरा आराम आराम से कम हो रही है। अब अगर आपके पास प्योर कंडक्टर का थर्मामीटर हो तो उसमें क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। थर्मिस्टर इज अ सेमी कंडक्टर हूज रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। थर्मिस्टर एक सेमी कंडक्टर को कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ बदलती है।
चलो अब हेडिंग डालो जीरो एरर, सब लोग नोट्स में हेडिंग डाल दो जीरो एरर। जीरो एरर का कॉन्सेप्ट बनाओ, ये ज्यादातर वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में डिस्कस होता है कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे तुम्हारी गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है जो गाड़ी की स्पीड बताता है, अगर मैं गाड़ी को पार्क कर दूं तो गाड़ी की स्पीड आनी चाहिए जीरो, दैट मेक सेंस। अगर गाड़ी को पार्क कर दूं तो गाड़ी की स्पीड आनी चाहिए जीरो, बिकॉज दैट इज लॉजिकल। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जीरो एरर। अगर गाड़ी की स्पीड जीरो ना आ रही हो, मतलब गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन स्पीड आ रही है। यहां पर देखो ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको नजर आ रहा है, ये लाइन देखें स्ट्रेट, जीरो से जीरो को इंसाइड हो रहा है, तो नो जीरो एरर। जीरो नीचे है और दूसरा जीरो ऊपर है, इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर सर्क्यूलर का जीरो ऊपर चला जाए तो इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। तो अब इसमें लिखिएगा कि इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज क्लोज्ड इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज क्लोज्ड एंड इट डज नॉट शो एंड इट डज नॉट शो एब्सोल्यूट जीरो एंड इट डज नॉट शो एब्सोल्यूट जीरो इट इज कॉल्ड जीरो एरर। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
इट इज सब्ट्रैक्टेड फॉर रेक्टिफिकेशन. जब ये वाला एरर आपको दिखे, ये वाला, तो इसका नाम तो पॉजिटिव जीरो एरर है. इसको ठीक कैसे करते हैं? जैसे आपकी घड़ी 5 मिनट आगे हो, अगर आपकी घड़ी 5 मिनट आगे हो तो आप टाइम कैसे सही करते हैं? 5 मिनट कम कर देते हैं. इस तरह अगर ये मीटर आगे है तो इसको माइनस कर देते हैं. उसी डायग्राम को अपडेट कर लें. नेगेटिव जीरो एरर, ये 40, देखो जीरो इसका गोल वाले का जीरो ऊपर चला गया, इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर. और इसको ऐड करते हैं, मतलब आपकी घड़ी अगर 5 मिनट पीछे हो तो आप ठीक कैसे करेंगे? आप उसमें 5 मिनट ऐड अप कर देंगे. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. रेंज एंड सेंसिटिविटी, चलो अब हेडिंग डाल दो एक लाइन छोड़कर, रेंज एंड सेंसिटिविटी.
अब देखो इनमें क्या फर्क है, ये जो अब हम शुरू कर रहे हैं रेंज और सेंसिटिविटी में क्या फर्क होता है। देखो रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक, जैसे हम कहते हैं कि हमारी आज की क्लास है 11:30 से 1 o'clock तक, इसको कहते हैं रेंज। अच्छा सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, एक छोटे डिवीजन पे आप कितना रीड कर रहे हैं। रेंज होता है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज। अब देखो सेंसिटिविटी क्या चीज है वो जरा समझो, मैंने करंट के चैप्टर पढ़ाते वक्त भी ये कॉन्सेप्ट समझाया था। अब देखो इसमें तुम्हें नजर आ रहे हैं ना 10 डिवीजन्स हैं, इसमें भी 10 डिवीजन्स हैं, लेकिन इसमें 0 के बाद है 10 और इसमें 0 के बाद है 1। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1। रेंज है 0 टिल 10, यहाँ रेंज है 0 से 1 तक। लेस सेंसिटिव और मोर रेंज, यहाँ लिखा हुआ है मोर सेंसिटिव स्मॉलर रेंज। तो अब समझो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, एक डिवीजन पर तुम कितना रीड करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर लीस्ट काउंट समझ लो, तो एक छोटे डिवीजन पे तुम क्या रीड करोगे इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, स्मॉलेस्ट रीडिंग। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, देखो अब तुमने ये दो डायग्राम्स बनाई, इन दो डायग्राम्स में हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया वो ये है कि जो रेंज होती है वो ये बताती है कि बड़े से बड़ा नंबर क्या नोट कर सकते हैं, और सेंसिटिविटी क्या बताती है, छोटे से छोटा नंबर क्या रीड हो सकता है। तो लिखिएगा कि सेंसिटिविटी इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट, नीचे लिखिएगा सेंसिटिविटी इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट सेंसिटिविटी इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच स्मॉल वैल्यूज कैन बी रिकॉर्डेड उसके बाद। लाइन चेंज करिएगा, लिखिएगा रेंज इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट रेंज इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच बिगर वैल्यूज कैन बी मेजर्ड।
Range is the measure of the extent to which bigger values can be measured. चलो अब देखो, range and sensitivity are always inversely proportional. Range बढ़ेगी तो sensitivity कम हो जाएगी, range कम होगी तो sensitivity बढ़ जाएगी. तो ये वाली screen copy करें. चलो अब दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट. यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को, जिसको एग्जामिनर फिर एक्सप्लॉइट करता है. हमारे यहाँ बच्चों के जहन में ये परसेप्शन होता है कि लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन. हालांकि फिजिक्स में ये भी लाइन है और ये भी लाइन है. इसको कर्व भी कहते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जब लिखा हो ना लाइन, तो लोग ये समझते हैं कि लाइन का मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन है. ये कॉन्सेप्ट गलत है. लाइन का मतलब कर्व भी हो सकता है. तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करिएगा. सर, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स में है या मैथ्स या फिर बाकी सब्जेक्ट में भी है? व्हेन इट सेस लाइन ऑफ बेस्ट फिट, मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है. लाइन का मतलब लाइन होता है, लाइन का मतलब खाली स्ट्रेट लाइन नहीं होता. ये तो मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी, दोनों में. सब लोग ये वाली चीज कॉपी करिएगा. लाइन ऑफ बेस्ट फिट. अब देखो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनती है. एक ऐसी लाइन बनाओ जो सारे क्रॉसेस को कवर करे.
यहाँ भी एक बड़ी मेजर कंफ्यूजन बच्चों के जहन में आती है, वो ये सोचते हैं कि शायद ऐसी लाइन होगी जो मेजॉरिटी पॉइंट्स को कवर करे, ये जरूरी नहीं है। असल चीज ये है कि वो सारे पॉइंट्स के बीच में से गुजर जाए, मेजॉरिटी पॉइंट्स उसके ऊपर नीचे डिवाइडेड हो। ये हो सकता है कि वो सिर्फ 3 पॉइंट से गुजरे, हो सकता है 2 से गुजरे। तो आपको रफली ये वाली चीज कॉपी करनी है, रफली ये जो अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये आपको रफली बनाना है ऐसे। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ना एक दो पॉइंट्स लाइन से बाहर हो जाते हैं, और अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो बिल्कुल ही बाहर हो जाए, बहुत दूर हो जाए, तो उसको कहते हैं आउटलायर। देखो ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि एग्जामिनर कैसे पसंद करते हैं बेस्ट फिट लाइन देखने में। देखिएगा ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ बेस्ट फिट लाइन। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, बहुत गौर से, तो आपको समझ आएगा कि ये लाइन असल में तो सिर्फ एक पॉइंट उठा रही है, ना ये वाला पॉइंट उठाया इसने पूरा पूरा, ना ये उठाया, इवन ये भी नहीं उठाया। तो इसको बेस्ट फिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में से जा रही है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये जरूरी नहीं कि ये सबसे गुजरे। अब ग्रेडियंट निकालने का क्या तरीका होता है, जब लाइन ड्रॉ हो जाती है तो फॉर्मूला तो आपको पता है, डू नॉट यूज द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। ओ लेवल में क्या होता है कि ना जब ग्राफ बनाते हैं तो पीछे टेबल तो होता है, जो एक सवाल आता है एटीपी में हर साल, जिसमें ना ग्राफ बनाना होता है, तो आप चाहें तो उससे भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर मना करते हैं कि उससे ना निकालें, बल्कि 2 नए पॉइंट्स लें ग्राफ पे, उससे निकालें। टेक 2 पॉइंट्स एज फार एज पॉसिबल, ऐसे 2 पॉइंट सेलेक्ट करें जो दूर हो, जितना दूर हो सके दूर हो। शो अ डॉटेड ट्रायंगल फॉर ग्रेडियंट। देखो ये मैंने एक डॉटेड ट्रायंगल बनाई है ताकि मैं ग्रेडियंट को शो कर सकूं। जो आपने अभी लिखा था ये वाला, देखो ये इसके नीचे लिखिएगा कि इफ अ पॉइंट लाइक दिस, जैसे ये ना, इफ अ पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द बेस्ट फिट लाइन, a point is far away, if a point is far away from the best fit line, it is called an experimental error, it is called an experimental error। ऐसे पॉइंट को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। फिर नीचे लिखिएगा बेस्ट फिट लाइन एलिमिनेट्स रैंडम एरर। इसको ड्रॉ करने का फायदा क्या होता है कि एरर हट जाता है। लिखो बेस्ट फिट लाइन एलिमिनेट्स रैंडम एरर। बेस्ट फिट लाइन एलिमिनेट्स रैंडम एरर। फिर लिखो इट इज नॉट नेसेसरी दैट लाइन ऑफ बेस्ट फिट
it is not necessary that the line of best fit does not pass, sorry, line of best fit passes through majority points. It is not necessary that line of best fit passes through majority of the points. चलो अब आ जाओ ग्रेडियंट वाली नॉलेज पर और ये वाली स्क्रीन कॉपी करो. ग्रेडियंट वाली नॉलेज के लिए ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. सॉरी फ्लेक्सेस, अगर जो पॉइंट है जो दूर होता है बेस्ट फिट की लेंथ से, फिर भी वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट सही होती है, राइट? एक एक ऐसा पॉइंट कभी कभी दिया जाता है, वो पूछेगा ये पॉइंट दिया हुआ क्यों है, तो आप बोलेंगे ये दिया हुआ इसलिए है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इट इज, इसलिए दिया हुआ है कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल एरर. ओके सर.
चलें अब हेडिंग डालें बेस्ट फिट कर्व, जैसे बेस्ट फिट लाइन होती है, आप जैसे बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे ही बेस्ट फिट कर्व भी होता है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि हमने दिखाया कि कर्व है और वो बाहर ऐसे लाइन मेजोरिटी लाइन से कवर कर रहा है, लेकिन इसमें भी वही रूल है कि देखो ये पॉइंट बाहर हो गया, ये पॉइंट बाहर हो गया, तो कुछ ना कुछ बाहर होगा। हेडिंग डालिएगा एनोमिलस पॉइंट। ठीक है, अब एनोमिलस पॉइंट क्या होते हैं, देखो ये है क्रॉस, ये नजर आ रहा है बाहर आपको, ये बिल्कुल बाहर है, इसको कहते हैं एनोमिलस पॉइंट। और ये एक्सपेरिमेंटल एरर भी होता है, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने ये डायग्राम तो बनाई भी है, उसी डायग्राम पे वापस जाओ और उस पर जाकर ये वाला पॉइंट ऐड करके बराबर में ये लिख लो।
बिल्कुल सही, एक्सपेरिमेंटल एरर ही को एनोमलस पॉइंट भी कहते हैं। तो अब यही आप बेसिकली दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने हेडिंग डाली थी एनोमलस पॉइंट। अब देखो ये कैसे नजर आता है, 21 22 21 23 21, एकदम आ गया 60, ये कहलाता है एनोमलस। लग रहा है, नजर आ रहा है कि ये गलत है, तो ये वो पॉइंट होता है जिसको कहते हैं एनोमलस। इसको डील कैसे करते हैं, ज्यादातर पेपरों में ना इस तरह का सवाल जब आता है तो वो कहते हैं एवरेज निकालें। जब एवरेज निकालें तो इसको आप एक्सक्लूड कर दें, यानी जो एनोमलस पॉइंट होता है उसको फिर आप हटा दें। तो सबको ये वाली, अब ये वाली स्क्रीन जहां हमने हेडिंग डाली है ना एनोमलस पॉइंट, वहां आ जाएं वापस यहां पर, और नीचे लिखिएगा इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, it is a type of experimental error it is a type of experimental error aage likhiyega it should be excluded from the average, it should be excluded It should be excluded from the average, पर ये वाला कॉपी कर लीजिएगा। चलें इसको फिर हम यहाँ तक रोकेंगे, आप लोग बस ये हेडिंग डाल दीजिएगा मेरे रेफरेंस के लिए, एक्स्ट्रापोलेशन की हेडिंग डाल दीजिएगा और फिर क्लास खत्म है आज की। हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर, I have question relating maths trigonometry में पूछ सकती हूँ? सर, वो एक trigonometry में मैंने questions देखे हैं जिसमें diagram दिया हुआ होता है graph का और 3 coordinates के points दिए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों का length निकालो, फिर कहते हैं area पे value of sine QPR उस triangle का जो graph पे draw हुआ होता है। हाँ, ये फिर वो हम कैसे करते हैं? इसमें एक तो हमने जैसे कल वाली क्लास जो हुई थी मैथ्स की, उसमें आप थी कल वाली क्लास में? Yes sir, I have attended all the classes. नहीं, नहीं, आपका ग्रुप थी? Yes sir. हाँ, तो उसमें कल आखिर coordinate geometry, हाँ उसमें डिस्कस हुआ था ना, याद है आपको? नहीं 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 हुआ था, साइन वाले पापा कनेक्शन लूज हो गया था। अच्छा, हाँ, वाला था ना? अगली क्लास तक उसको बॉक्स काउंटिंग, लेकिन वो बॉक्स काउंटिंग मेथड डिस्कस हो रहा था ना, तो वो फिर यस सर वो हुआ था। तो बस करते क्या है कि उसमें ना डब्बे गिनते हैं, जो भी आपका पॉइंट होता है ना उसमें एक्स से लेकर एक्स तक गिने तो हॉरिजॉन्टल आ जाता है, वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट गिने तो सिंपल क्या होता है, जब वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट गिनते हैं ना तो उससे आपको वाई मिल जाता है। तो ये सिंपल बॉक्स काउंटिंग होती है। वो जो सवाल आते हैं ज्यादातर उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ग्राफ की ग्रिड बनी होती है उसमें तो आप इवन हाथ रख के खुद ही काउंट कर सकते हैं 2 3 4 करके ना, और दूसरा जो होता है उसमें ना पॉइंट दिए, जिसमें ग्रिड नहीं बनी हुई। हाँ, तो जब पॉइंट दिए हुए होते हैं तो सिंपल पॉइंट के नंबर देख लेते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है 2, 2 के सामने लिखा हुआ है 6, तो 2 से 6 आप जाएंगी तो लेंथ कितनी होगी? अगर 2 से 6 4 4 4 लेंथ रहेगी।
बस यहाँ ये करना है जो अभी आपने किया ना 6 - 2, अगर नीचे लिखा है ऊपर लिखा है 6, तो 2 से 6 जाएंगे तो ऐसे 4 हो जाएगा. इसको कहते हैं बॉक्स काउंटिंग मेथड. ओके सर, ओके, थैंक यू.